बड़वानी जिले में बिजली के भारी भरकम बिलों की शिकायत लिए आज शहर के लोग शिकायत निवारण केंद्र पर जमा हुए। 100 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी हजारों के बिल थमा दिए। जब लोग इसकी शिकायत लेकर शिकायत केंद्र पहुंचे तो वहां भी उन्हें संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। लोगों का आरोप है कि मनचाही रीडिंग आने के बाद जब मीटर बदलाया गया तो अब 1 माह की यूनिट ठीक आई, लेकिन इससे पहले भारी भरकम बिल का भुगतान करना पड़ा। वहीं बर्तन मांजने वाली का बिल 2000 आ गया। उसका कहना है कि 100 और कम बिल आता था। बिल भरे या परिवार का पालन पोषण करेगी, महिला कहती है। साथ ही संजय मोरे कहते हैं कि मीटरों के अंदर है, पहले पुराना मीटर 73 रीडिंग बताता था, अब नया मीटर 500 रीडिंग दिखा रहा है। 1 महीने में इतना फर्क कैसे हो गया? वहीं इस मामले में जब जवाबदारों से बात करना चाहिए तो शिविर में होने वाला हवाला देकर मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। जबकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिल माफ कर सरकार के द्वारा बिल भरे जाने की बात कर रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भी आए हैं लॉकडाउन के दौरान जो बिल आया था उनके निराकरण को लेकर सिविल लगा जी, क्या निराकरण हो रहे हैं आप? निराकरण तो भाई साहब मेरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे दो घर हैं, मतलब एक बड़े भैया जहां पर रहते हैं वो मीटर का समाधान के लिए आया, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे घर के जो बिल है वो लेकर के आया, उसके समाधान के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो कोई जवाब देने वाला अधिकारी मौजूद नहीं है। अब पहले ये बड़े घर पर संबल योजना का लाभ मिल रहा था, संबल योजना बंद हुई, सरकार बदली, नई सरकार आई, उनके नियम आए, उनके नियमानुसार बिल आ रहा था। घर में संसाधन चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप आकर के चेक कर सकते हैं। मैंने इनसे ये निवेदन करा, आप देखिए कि कितनी यूनिट का चल रहा है और क्या हो रहा है। इन्होंने कह दिया कि ये जो बिल दिया है आपको यूनिट के अनुसार दिया है, ये सत्य है। मैंने ठीक है, मैंने मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने कहा मीटर बदल दीजिए, नया मीटर लगाइए, 250 की रसीद कटवाइए, नया मीटर लगाया, नए मीटर में यूनिट 73 आ रही है, नए मीटर में, पुराने बिल में 500 यूनिट का बिल मेरे को दिया है। ये घरेलू मेरा जो संबल योजना थी ये 4206 रुपये का बिल है, आप देखिए। और जो नया मीटर लगाया उसको 1 महीना हो गया, उसकी रीडिंग 73 आ रही है। अब मुझे एक बताइए कि एक मीटर में 500 की यूनिट बन रही है और वही मीटर बिजली बोर्ड का लगा हुआ है उसमें 73 यूनिट बन रही है, अब आप बताइए। और मैंने अभी जानने की कोशिश करी कि भाई वो जो पुराना मीटर आपने निकाला है उसकी रिपोर्ट क्या आई है, उसकी रिपोर्ट इन्होंने देखी, उस पर लिखा हुआ है रिपोर्ट ओके, 2 यूनिट इन्होंने चलाई, तो या तो मैं गलत हूँ, या बिल गलत है, या फिर मीटर गलत है, ये जांच का विषय है, ये करना चाहिए। अब मेरे घर की बात करता हूँ, जहाँ मैंने 2 किराए से कमरे से दे रखा है, एक का रीडिंग देखें आप, इसमें 0-0 है, एक मीटर की रीडिंग 5 है, और मेरा जो एक ऊपर का जो मीटर मेरा चलता है उसमें 180 यूनिट बता रहा है। अब ये इसका आप क्या जवाब दोगे बताइए आप? 1 महीने में क्या 0 यूनिट बनेगी, 1 महीने में क्या 5 यूनिट बनेगी? तो मतलब ये सीधा सा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मीटर में गलती है, या तो मीटर इन्होंने ऐसे लगाए हैं ये इनकी मर्जी के चलते हैं। मीटर रीडिंग लेने वाला भी गलत, ये तो एक बात पकड़ते हैं कि हमने जो बिल दिया वो रीडिंग के अनुसार दिया वो सही है। हमारा भी कहना है कि चलो हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं कि भाई हमने भी बिल भरना चाहिए, हम उपभोक्ता हैं, हमारा भी कर्तव्य देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, वो हम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने समाधान तो करना चाहिए। अब ये मीटर बदलने के बाद रही रीडिंग 73 आ रही है, इनका रीडिंग लेने वाला कर्मचारी लिख रहा है, देखिए अब आप, और ये 5 यूनिट का बिल दे रहे हैं 4206। अब आप इनसे प्रश्न करिए कि ये इसका क्या समाधान करेंगे। इस शिविर से एक मजाक बना करके रखा है कि वास्तव में इसका कहीं निराकरण करने के लिए रखा है। संगीता मधुकर। संगीता जी कहाँ रहते हो आप? आशा बाल आश्रम राजघाट रोड। यहाँ क्या लेना है? बिल का ये बताने आए, 7000 आ गया, पहले 100 रुपये आते थे, नहीं इतना बिल हमने देख के, हम बाहर सब्जी फ्रूट बेचते हैं, ने इतना देख के ना बिल को देख के मेरा तबीयत खराब हो गई कि इतना बिल कैसा आ गया। हर महीने 100 रुपये से कम आता था, न 100 भी आता था तो चल जाता था, पर इतना दे दिया उसको बिल को देख के मेरी कल की तबीयत खराब हो गई। नो रीडिंग लेने आते हैं, ठीक से रीडिंग भी लेके जाते भैया। अभी यहाँ आए हो क्या हुआ? दिया हुआ है आवेदन, अब क्या मालूम क्या होता है, पर मैं इतना बिल नहीं भरूंगी। सर अभी ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली के बिलों को भी स्थगित करने की बात कही है, वो एक्चुअल में माफ है या स्थगित किए गए? माफ कर दिए गए जी, सरकार भरेगी वो पैसा जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।